तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th में वो स्टूडेंट जो नॉन प्लान एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन साइकिल 1 और साइकिल 2 में एडमिशन नहीं मिल पाया, तो साइकिल 3 के लिए सर्कुलर ऑफिशियल रिलीज कर दिया गया है। और जो बच्चे क्लास का एग्ज़ाम दिए थे कंपार्टमेंट का, उनका भी रिजल्ट आ चुका है। अगर वो प्राइवेट स्कूल से क्लास 10th किए थे और 11th में सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नॉन प्लान एडमिशन उनके लिए भी है, साइकिल 3 में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट चांस है, इसके बाद आपको किसी प्रकार का मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ पर मेंशन किया गया है साइकिल 3 के लिए, यहाँ पर द शेड्यूल फॉर एडमिशन टू क्लास 11th इज एज अंडर, यहाँ पर मेंशन किया गया। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख तक चलेगा 5 PM 5 बजे तक। आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या फिर करवाना है, उसके बाद में स्कूल अलॉट होगा यानी कि रिजल्ट आएगा आपका 25 तारीख को इसी महीने में 12 बजे दोपहर में, ठीक है। उसके बाद में जो स्कूल अलॉट होगा उस स्कूल में आपको जाना है और सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए सारी डिटेल वहाँ पर सबमिट करना है। उसकी डेट है 26 तारीख से 31 तारीख तक, इसके बाद नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तो टाइम पर सारी चीज़ें यहाँ देख लो, सारी चीज़ें आप टाइम पर जाकर सबमिट करो ताकि ये चांस बेकार ना जाए। और यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है, जो भी स्ट्रीम लेना है कितना परसेंट चाहिए। फिलहाल इस टॉपिक पर फुल एक्सप्लेन वीडियोस पहले से ही अपलोड है सीपरेट, अगर आपने नहीं देखा तो कॉमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। और कौन कौन से स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सबका मेंशन है, अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, जो भी डाउट हो बता सकते हो, डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए सबका मेंशन है, ठीक है। तो कमेंट चेक कर लेना, पूरी डिटेल वहाँ से गेट कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो सारी चीज़ें टाइम पर करो ताकि ये चांस आपका मिस ना हो। और दूसरी बात, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर दोनों शिफ्ट के लिए बताया गया है, ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है, चाहे ये चाहे फिर ये, इस पर आपको कॉल करना है 7:30 से 6:30 के बीच में, ठीक है। और किसी प्रकार का डाउट है तो उसका भी सॉल्यूशन पा सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी, फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।